वेलकम बैक टू उमा सॉरी वन चैनल। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जिसमें मेरी कुछ वेडिंग्स की क्लिप्स थी, और इस बार मेरा एनिवर्सरी उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होने वाला है क्योंकि मैं हूँ अपने मम्मी के यहाँ, मुझे अचानक से आना पड़ा है, तो मुझे सब कुछ अकेले ही सेलिब्रेट करना होगा। तो यहाँ देखती हूँ मम्मी पापा कैसे मेरे लिए क्या क्या लेकर के आ रहे हैं, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और हाँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं ताकि मैं इससे मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अभी तो वैसे भी वेडिंग सीजन ही चल रहा है, नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा शादियाँ, हम देखिए खांसी भी आ रही है। अभी हमारे घर पे भी शादी थी, ठंडा गर्म इधर उधर खाना बाहर जाना हो जाता है तो जिसमें गला खराब होता ही है, फीवर वगैरह। और चलिए वीडियो को मैं लेंथी ना करते हुए, ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज एक रेसिपी, और साथ में मैं अकेले कैसे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ विद फैमिली। मेरे हस्बैंड मेरे साथ अभी नहीं है तो आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। और आप लोगों को मंदिर की घंटी सुनाई दे रही होगी, मेरे घर के जस्ट सामने ही मंदिर है, तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले के कोफ्ता, कोफ्ता करी जिसको कहते हैं। इसके लिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया केला को, और साथ में मैं ले रही हूँ पोटैटोस। दो मैंने बड़े बड़े साइज़ के पोटैटोस लिए हैं और तीन ग्रीन बनाना लिया है कच्चा वाला, और कुकर में इसको मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी अब उसमें ऐड कर दीजिए, हाफ ग्लास, और थोड़ा सॉल्ट हाफ टी स्पून, और कुकर में एक सीटी के लिए बैठा दीजिए। उसके बाद इधर मैं ले रही हूँ मसालों के लिए, देखिए खड़े मसाले मैंने सब छील के साफ करके रख लिया है, इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अदरक लहसुन और प्याज है, और आपका हरा धनिया साथ में है, और हरी मिर्च है, और टमेटो है। इधर देखिए मैंने निकाल लिया है आलू और केले को कुकर से एक सीटी लगा करके, इनके छिलके आप साफ़ कर लीजिए तब तक। बहुत ही टेस्टी लगती है ये डिश, खाइए। जो वेज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये डिश है, आप लोग भी आप ज़रूर घर में बनाइए। केला भी देखिए बहुत आसानी से छिलका इसका उतारा जा सकता है बॉईल करने के बाद, और ये मसाला भी हमने पीस करके रेडी कर लिया है। मैंने दो टमाटर यूज़ किया है। अब इसके देखिए केला और जो आलू में हमने उबाल करके बॉईल करके रखा हुआ है उसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट तो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और ये जो मैंने आपको दिखाया ही था ऑनियन चॉप करके रखा हुआ है इसमें मैं हाफ यूज़ करूँगी पकौड़ा तलने के लिए, कोफ्ते जो हम बना रहे हैं उसके लिए है। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा है, टमाटर धनिया नहीं अभी यूज़ किया है हमने, अदरक लहसुन, उसको आपको मिक्सी में पेस्ट बना लेना है, उसका एक चम्मच आप इसमें ऐड कर लीजिए, और ग्रीन कोरिएंडर है जो हमने कट करके रखा है उसको इसमें ऐड कर लेना है। साथ ही साथ हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे
बेसन, बेसन आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हमको बेसन लेना है, 1 टेबल स्पून जिसे कहते हैं। और मेरे पास था ये किचन किंग मसाला, आपके पास जो भी मसाला हो गरम मसाला वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने नॉर्मल गरम मसाला भी ऐड किया था जो घर में था, और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी इसमें दिया है 1 टीस्पून, छोटा मेरे पास चम्मच था उसका। बस सारे मसालों को इसके साथ में अच्छे से मैश कर लेना है। और ये है काजू, मैं ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। इसके हम अगर इसको ऐड करते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। काजू को मैंने चॉप कर लिया है, और साथ ही किशमिश को भी धो कर के अच्छे से मैं उसमें मिला दूँगी बैटर के अंदर। और इसके गोल गोल आप साइज़ जैसा भी आपको पसंद हो, हम गोल गोल बना रहे हैं। और देखिए बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है। बड़ों को हमको तल करके अलग साइड कर लेना है। इस तरह से तलिए बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर में। हमने देखिए सारे बड़ों को तल करके साइड कर लिया है। कोफ्ते को, इसे हम कोफ्ता कह सकते हैं। इधर वो सेम कढ़ाई में हमने तेल थोड़ा सा और गर्म कर लिया है, ऑयल रिफाइंड ऑयल ही है। और इसमें हमने ऐड किया है गरम मसाले, जीरा, तेजपत्ता, बड़ा इलायची, और जो प्याज बचा हुआ था चॉप उसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको आपको लाइट ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। उसके बाद ये मसाला जो हमने पीस करके रखा है, अदरक लहसुन और प्याज टमाटर का, उसको हरी मिर्च भी है इसमें ऐड, हमको मसाला इसमें ऐड कर लेना है और अच्छे से इसे भून लेना है। मसाला अच्छे से भूनिए ताकि कच्चापन ना रहे इसमें। सारा टाइम लगा करके तो हम दिखा नहीं सकते आपको वीडियो में। इसको आपको थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर है टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर जीरा का पाउडर, और रेड चिली पाउडर आप जैसा तीखा पसंद करते हो वैसे ले सकते हैं। हमने इसमें 1.5 टीस्पून ऐड किया है। और साथ ही यहाँ हम डाल रहे हैं किचन किंग मसाला जो हमारे पास है, गरम मसाला, जो भी गरम मसाला आपके पास है आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से हमको मसालों को भुनना है। अगर आपको लग रहा है कि मसाले जल रहे हैं नीचे तो आप हल्का सा उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। ये डाल दिया हमने 2 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट हमने पहले बॉयल करते टाइम भी डाला था, और पकौड़ा जो हमने तला है कोफ्ता उसमें भी डाला है, तो आपको ध्यान रखना है सॉल्ट का। बस अब मसालों को हमको जब तक ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए अच्छे से भून लेना है। आँच मीडियम ही रखिए, ना हाई ना लो। और मसालों को देखिए अच्छे से भून लेने के बाद हमको पता चल गया है कि मसाले भून चुके हैं। अब इस टाइम पे हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया है, 2 ग्लास ऑफ वाटर हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमको करी बनानी है और कोफ्तों को इसमें इस टाइम पे हमको डाल देना है। बस बॉयल आने तक इसे पका लीजिए, उसके बाद आपकी बनाना कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। Happy anniversary day.